शादी के बाद नई दुल्हन का किया वो हाल देखकर चौंक जाएंगे। शादी के लगभग 6.5 महीनों बाद ही एक न्यूली मैरिड महिला की जहर निगलने से संदिग्ध मौत हो गई। 20 साल का ममता को यह जहर जबरन खिलाया गया या फिर उसने ससुरालियों के जुल्मों से तंग आकर खुद ही मौत को गले लगा लिया, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। वहीं मृतका के भाई ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पटियाला के गांव इसरेरी के रहने वाले मृतका ममता के भाई राम सिंह ने बताया कि 4 दिसंबर 2016 को परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर शहजादपुर के संदीप के साथ उसकी शादी की थी, जो बन पड़ा वह दिया गया। कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग करते हुए ममता पर जुर्म ढहाने शुरू कर दिए। हारकर परिवार ने उनकी डिमांड पूरी करने की हर कोशिश की, लेकिन उनके जुर्म दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए। इस बारे में पंचायत भी हुई, परंतु वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। राम सिंह ने बताया कि संदीप कार की डिमांड करता था, वह शराब पीने का आदी है। वह ममता के मुंह में जबरन शराब भी ठूंसता था। वह इस प्रताड़ना से बेहद परेशान थी और इधर परिवार भी काफी चिंतित था। मृतका के पिता दलेर सिंह ने बताया कि बुधवार देर रात ममता के ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि ममता ने जहर खा लिया है। 10 मिनट बाद उनका दोबारा फोन आया और उन्होंने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। रोते बिलखते अम्बाला पहुँचे तो देखा कि जिस बेटी को डोली ने दुल्हन बनाकर भेजा था उसका शव सामने पड़ा है। ससुरालियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने अपनी निगरानी में शव को कैंट सिविल हॉस्पिटल भिजवाया और यहां डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। ममता के मायके वाले उसके शव को अपने साथ गांव इसरेरी ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया।